दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस में स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो बच्चों को बिल्कुल हैबिट जा चुकी है स्कूल जाने की। अब वो जो एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मतलब वही लगता है उनको कि स्कूल है। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अभी केजी क्लास में पढ़ रहे हैं और जब उनका एडमिशन हुआ तब से स्कूल बंद ही थे, सो उन्होंने तो आज तक स्कूल को देखा ही नहीं है। सो इसमें आप सोचिए कि जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों का रिएक्शन कैसा होगा, वो कैसा बिहेव करेंगे। सो मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था तो मेरे सामने ये वीडियो आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही वीडियो शेयर की जाए। मुझे पता नहीं है कि वीडियो किस बच्चे की है, अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बच्चे का नाम, तो मैं उसको मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में कि इस बच्चे की वीडियो है, क्योंकि जहां से मैंने उसको देखा तो वहां पर लिखा नहीं हुआ था कुछ भी वीडियो के बारे में। सो पहले आप ये वीडियो देखिए। नहीं पता गवर्नमेंट ने खोल दी है, पागल हो गई है ये गवर्नमेंट भी भाई, बस अब रूटीन में आया। कोई इंजेक्शन लगवा दिया कोरोना की, हमें थोड़ी लगी है टाइफाइड के अलावा कोई इंजेक्शन। अब खुल गया है फातिमा, अब तो जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी मामा, क्लास में हर बच्चा कभी किसी का लंच ले रहा है, कभी किसी का स्केल, कभी किसी का वो, कभी किसी का कुछ। अगर किसी बच्चे को कोरोना और मैं उसका टिश्यू उठा लूं तो तुम टिश्यू उठाओगी क्यों? एहतियात करो, स्कूल जाने पे तुम्हें एतराज है। और जो कल कह रही थी पापा साल बाद सिनेमा खुले है, सिनेमा जाना है? मामा जी सिनेमा अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, स्कूल अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी जाते हैं। कभी भी कोई किसी की मैं चीज उठा लूं मुझे कोरोना हो जाए। फातिमा अब स्कूल तो जाना पड़ेगा बेटा, आप लोगों के टेस्ट सेशन भी शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स भी अब स्कूल जाके होंगे। मामा यार अच्छा ऑनलाइन चल रहा था यार, पेपर भी ऑनलाइन थे, पेपर में मैं गूगल ही इस्तेमाल करती थी, अब उधर जाके क्या करूंगी, मैं तो लिखना पढ़ना भूल गया है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि स्कूल जाना शुरू करो, तुम्हें कुछ लिखना पढ़ना आए, पता चले फेल होके बैठी हुई हो। मम्मा जी अभी क्या खोलने की जरूरत है, हर बच्चे के दिल से आह निकलेगी, सारे बद्दुआएं देंगे। नहीं बद्दुआओं की जरूरत नहीं है, स्कूल जाए अपनी रूटीन में आए बेटा, आपका तो इतना स्कूल में दिल लगता था, अब क्या हो गया आपको? मम्मा जी ये जो हमारे खोल देते हैं, ये जो पॉलिटिशियन है ये सब खोल देते हैं, इन्होंने थोड़े स्कूल जाना होता है, हमने जाना होता है, और हमारे टीचर हमें इतना डांटते हैं, काम इतना दे देते हैं, मैं ही जा रही। उठ के बैठो, यूनिफॉर्म रख दी है मैंने बाहर से, यूनिफॉर्म पहनो, उठ के बैठो। फातिमा उठ के बैठो, एक्टिंग बंद करो, भाई को भी उठाओ, बेहोश हो गई हूं, भाई को भी उठाओ, खुद भी उठो। फातिमा मुझे बिल्कुल एक्टिंग तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही। ओ मम्मा मैं नहीं जा रहा, बस नहीं इधर बैठो। मामा नहीं ना, मामा जी अल्लाह का वास्ता, अच्छा मैं कल चल जाऊंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस कल पिंगी प्रॉमिस कल चली जाऊंगी प्लीज। कल और आज में क्या फर्क है बेटे? मामा जी कल नहीं, आज टेस्ट है ना, एसएसटी का टेस्ट है आज। पता था ना तुम्हें कि स्कूल खुल गए? नहीं मामा जी पता था ना, फिर भी मुझे मामा जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कोरोना हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है। बहुत बड़ी एक्टर है। सो देखा दोस्तों आपने, मतलब इसको देख के आपके चेहरे पे भी हंसी जरूर आई होगी, और जितने भी बच्चे हैं मतलब उनका जो रिएक्शन है कुछ इस तरह का होगा, या नहीं भी होगा तो उनका मन जो है स्कूल जाने का बिल्कुल होगा नहीं, हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पर कर दीजिए लाइक एंड कॉमेंट और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।